यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के लोकतंत्र का मंदिर अपना 100 साल पूरा करने वाला है और इसी के साथ अब देश को नए संसद भवन का तोहफा भी मिलेगा, जिसकी नींव 10 दिसंबर को पीएम मोदी रखेंगे। भारत का मौजूदा संसद भवन अपने आंचल में कई ऐतिहासिक कहानियां समेटे हुए, काफी पुरानी हो चुकी इस बिल्डिंग की जगह अब नए संसद भवन का निर्माण कराए जाने की तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि 2022 में देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और तब तक नए संसद भवन की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी और इसका सत्र नए संसद भवन में होगा। भारत के नए संसद भवन की पहली तस्वीर सामने आई। संसद भवन की नई इमारत का डिजाइन त्रिभुज के आकार का होगा और पुराने परिसर के पास ही इसका निर्माण होगा। इसके निर्माण का जिम्मा टाटा कंपनी को सौंपा गया। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन की नींव रखेंगे। त्रिभुज के आकार का होगा संसद भवन। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर के इलाके में फैला होगा। 16,921 वर्ग मीटर एरिया अंडरग्राउंड होगा। 3 फ्लोर की होगी संसद की नई बिल्डिंग। इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी। निर्माण में करीब 9,000 लोगों की भागीदारी होगी। श्रम शक्ति भवन की जगह बनेगा नया संसद भवन। 850 करोड़ की अनुमानित लागत से होगा निर्माण। देश के लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर अपने 100 साल पूरे कर रहा है। ये देशवासियों के लिए गर्व का विषय होगा। नए भवन में देश की सांस्कृतिक विविधता भी प्रदर्शित होगी। उम्मीद की जा रही है कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसद का सत्र नए भवन में आयोजित होगा। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। एक साथ 1350 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। संसद भवन में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में दिखेगी भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक। 2 सीटर बेंच होगी। एक टेबल पर 2 सांसद ही बैठ सकेंगे। सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाओं से युक्त अलग ऑफिस होंगे। ये नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है और इसे वर्तमान संसद भवन के करीब बनाया जा रहा है। नए भवन की आधारशिला रखने के मौके पर विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें से कुछ लोग मौके पर मौजूद रहेंगे जबकि अन्य लोग डिजिटल माध्यम से शामिल होंगे। नए संसद भवन की एक और खासियत ये भी होगी कि इसे कागज रहित कार्यालय की सोच के साथ तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए एक लॉन्च भी होगा। उनके लिए पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष, भोजन कक्ष और पार्किंग क्षेत्र होगा। कुल मिलाकर आसमान से देखने पर नया संसद भवन 3 रंगों में सजा दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।